नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज का हमारा जो वीडियो है वो है SOP लेबर रूम मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। तो इसका जो मुख्य पर्पस है वह है गर्भवती माताओं को प्री नेटल और पोस्ट नेटल केयर प्रोवाइड करना, जिससे मैटरनल, नियोनेटल और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को कम किया जा सके। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो डॉक्टर्स हैं या फिर आपके अस्पताल में जो RMA है, उनकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पर बनती है कि उनके PSC के अंतर्गत आने वाले जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जो गर्भवती माताएं हैं उनका समय से पता लगाकर उनका रजिस्ट्रेशन करना, उनको एंटीनेटल चेकअप प्रोवाइड करना और साथ ही उनको संस्थागत प्रसव की सुविधा प्रदान करना, ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है डॉक्टर्स की। अब जो सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करेंगे वो है स्टाफ नर्सेज की। तो यहाँ पे स्टाफ नर्सेज की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है उनको एंटीनेटल चेकअप प्रोवाइड करना, पोस्ट नेटल चेकअप प्रोवाइड करना और साथ ही संस्थागत प्रसव की सुविधा उनको देना। इसके बाद हम देखेंगे कि जो ANM है या RHO है, फीमेल जो RHO है, उनकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे है। तो उनकी जो मुख्य जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह यह है कि उनको जो गर्भवती माताएं हैं उनका अर्ली स्टेज में रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बाद उनको उनका वैक्सीनेशन करना है, उनको प्री नेटल, पोस्ट नेटल और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित करना है, उनको जानकारी देना है इसके बारे में, इनकी सुविधाओं के बारे में, इसके लाभ के बारे में उनको बताना है और ज़्यादा से ज़्यादा उनको जागरूक करना है। ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ANM की। अब हम देखेंगे कि प्रोसीजर क्या है। जब कोई एक गर्भवती महिला आपके अस्पताल में आती है तो क्या प्रोसीजर होना चाहिए रजिस्ट्रेशन से लेकर के डिलीवरी तक का, ये आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जो सबसे पहला प्रोसीजर है वह है कि जब कोई गर्भवती महिला अगर हमारे हॉस्पिटल में आती है तो सबसे पहले काम जो उनको करना है वो है अपना OPD रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले उनको अपना OPD स्लिप बनवाना है। वहाँ पे OPD स्लिप बनने के बाद उनको जाना है डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जहाँ पे वो उनसे प्रेजेंट हिस्ट्री लेंगे, उनकी पास्ट हिस्ट्री लेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रोसीजर कि क्या प्रोसीजर है जब कोई गर्भवती महिला हमारे हॉस्पिटल में आती है तो किन किन स्टेप से हमको उनको सुविधा प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले तो जब कोई गर्भवती महिला हमारे हॉस्पिटल में आती है तो सबसे पहले जो कार्य है वो है OPD रजिस्ट्रेशन का। सबसे पहले गर्भवती महिला OPD काउंटर में जाएंगी जहाँ पे वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगी। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर उनका जो है वाइटल्स चेक किया जाएगा, उनका BP, पल्स, हाइट, वेट, उनका रेस्पिरेशन रेट, ये सारी चीज़ें, टेम्परेचर साथ में, ये सारी चीज़ें जो है उनका चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद फिर वो जाएंगी डॉक्टर्स के पास। डॉक्टर वहाँ पे उनको उनकी हिस्ट्री लेंगे और साथ ही उनको UPT टेस्ट के लिए प्रिस्क्राइब करेंगे। UPT टेस्ट के लिए गर्भवती महिला जाएंगी लेबोरेटरी में, जहाँ पे अगर उनका UPT टेस्ट पॉजिटिव आता है देन फिर से वो आएंगी डॉक्टर के पास और डॉक्टर के पास फिर उनके द्वारा उनका मेंसेस का हिस्ट्री लिया जाएगा कि उनका LMP कब था और इसके अकॉर्डिंग EDD को कैलकुलेट किया जाएगा और इसके साथ ही उनको ANC चेकअप के लिए शेड्यूल प्रोवाइड किया जाएगा कि आपको कब कब अपना एंटीनेटल चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल में आना है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो ANC चेकअप है उसका शेड्यूल किस प्रकार से होना चाहिए। तो जो फर्स्ट विजिट है वो हो जाना चाहिए विद इन 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। जो सेकेंड विजिट है वो हमको कराना है 14 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर के 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक। जो थर्ड विजिट है वो होगा 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर के 32 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक। और जो फोर्थ विजिट है वो होगा 34 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से टर्म तक, जब तक उनकी प्रेगनेंसी कंप्लीट नहीं हो जाती है, इन बिटवीन उनको फोर्थ जो है विजिट लेना है हॉस्पिटल में। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर कोई महिला हमारे पास फर्स्ट विजिट पे आई है तो हमको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो हमको उनका रजिस्ट्रेशन करना है और उसके साथ ही उनको TD का फर्स्ट डोज देना है। इसके अलावा उनका पूरा ANC प्रोफाइल हमको कराना है, जिसमें पूरे ब्लड इन्वेस्टिगेशन और यूरिन एग्जामिनेशन सारी चीज़ें हैं उसमें इंक्लूडेड रहेंगे। इसके बाद हमको ये देखना है कि ये तो हो गई फर्स्ट विजिट की बात। इसके अलावा प्रत्येक विजिट में हमको पेशेंट का HB,
यूरिन एल्बुमिन और यूरिन शुगर कराना है, और इसके अलावा उनका फीटल पाल्पिटेशन, एब्डोमिनल पाल्पिटेशन हमको हर विजिट पे करना है। एब्डोमिनल पाल्पिटेशन से हमको पता चलेगा कि जो बच्चे का ग्रोथ है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या बच्चा IUGR के कंडीशन में तो नहीं जा रहा है। तो इस कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए हमको प्रत्येक विजिट में जो महिला है उनका एब्डोमिनल पाल्पिटेशन करना है। इसके अलावा उनको प्रत्येक विजिट में हमको मेडिसिन प्रोवाइड करना है। अगर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है तो हमको उनको फॉलिक एसिड का डोज देना है विद कैल्शियम का टैबलेट, और सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर वो महिला है तो फिर हमको उनको आयरन फॉलिक एसिड का टैबलेट देना है, और साथ ही कैल्शियम का टैबलेट भी हमको उनको प्रोवाइड कराना है। ये तो हो गया आपका विजिट का शेड्यूल कि आपको कब विजिट कराना है और किस विजिट में हमको उनको क्या चेकअप प्रोवाइड करना है। इसके अलावा प्रत्येक विजिट में हमको उस महिला को न्यूट्रिशनल काउंसलिंग करनी है कि उनको प्रेगनेंसी के दौरान क्या खाना खाना है, क्या चीजें अवॉइड करनी है, और इसके साथ ही उनको डेंजर साइन को रिकॉग्नाइज करने के लिए एजुकेट करना है कि क्या क्या डेंजर साइन है। अगर ये आपको फील होते हैं या आप इन चीज़ों से सफ़र करती हैं तो आपको तुरंत हॉस्पिटल आना है। वो सारे डेंजर साइन के बारे में हमको उनको एजुकेट करना है, और इसके साथ ही संस्थागत डिलीवरी के लिए उनको हमको प्रोत्साहित करना है। और इसके अलावा ही ANC चेकअप के दौरान ही हमको उनको फैमिली प्लानिंग के लिए भी काउंसलिंग करना है, ताकि वो जस्ट आफ्टर डिलीवरी जो भी उनको फैमिली प्लानिंग लेनी हो, जो उनको सुटेबल लगता हो, उनके लिए वो प्रिपेयर हों और वो सुविधा वो प्राप्त कर सके, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होगा। तो ये चीजें हैं कि हमको ANC चेकअप के दौरान हमको क्या करना चाहिए। अब ANC चेकअप के बाद बारी आती है डिलीवरी की। तो डिलीवरी में जो 4 स्टेजेस होते हैं उसमें एक स्टाफ नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो जो उनका फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है उसमें जो स्टाफ नर्स है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पेशेंट को प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग करे, उसको सिचुएशन को हैंडल करने में उनकी मदद करे, लेबर पेन को कैसे प्रोसेस करना है, लेबर पेन को किस तरीके से हैंडल करना है, उस चीज़ के लिए उनका उनको सपोर्ट करे, और इसके साथ ही उनको पेशेंट को उनकी कंडीशन के बारे में प्रॉपर जानकारी देते रहना है। इसके साथ ही हर आधे घंटे में उनको फिटस का हार्ट रेट चेक करना है, मदर का पल्स रेट चेक करना है, और साथ ही मदर को कितना कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है उस चीज़ को उनको चेक करना है, और मदर का BP चेक करना है every 4 hours में, और उनका जो पर वेजाइनल एग्जामिनेशन है वो होगा every 4 hours में, और टेम्परेचर भी every 4 hours में उनको स्टाफ नर्स को चेक करना है। और इसके अलावा जो भी फाइंडिंग्स आती हैं उन सबको पार्टोग्राफ में मेंटेन करना है, ताकि हमको लेबर का जो प्रोग्रेस है वो सही तरीके से समझ में आ सके। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को हम बोलते हैं एक्टिव लेबर पेन से, मतलब 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन से लेकर के फुल डायलिटेशन तक का जो समय होता है वो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में आता है। इसके बाद देखते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में एक स्टाफ नर्स का क्या रोल है। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर मतलब फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स से लेकर के एक्सपल्सन ऑफ फिटस तक का जो समय है, जो ड्यूरेशन है, उसको बोला जाता है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में सबसे पहले तो जो स्टाफ नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि बेबी का जो एक्सपल्शन है उसमें मदर को हेल्प करें, और उसमें उस प्रोसेस को अच्छे तरीके से हैंडल करें, और इसके बाद जब बेबी कम आउट होता है तो फिर उस बेबी को हम पोस्ट नेटल केयर प्रोवाइड करें। पोस्ट नेटल केयर में जैसे कि इंक्लूड है कि बच्चे को हमको वार्म रखना है, और इसके साथ ही कॉट क्लैंप करना है, अगर ज़रूरत पड़े तो हमको उसको रिसेप्सिटेशन भी करना है। ये सारी चीज़ें पोस्ट नेटल केयर में आता है न्यू बॉर्न के लिए। तो ये जो है वो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर हो गया। इसके बाद देखते हैं हम थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो जाती है कि हमको जो है कंट्रोल कॉट ट्रैक्शन मेथड को यूज़ करते हुए जो प्लेजेंटा है उसको हमको आउट करना है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम उनको 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन DPIM हमको उनको देना है, और इसके साथ ही
कंट्रोल कॉर्ड रिएक्शन मेथड को यूज करते हुए हमको प्लेजेंटा को आउट करना है। फोर्थ स्टेज ऑफ लीवर में हमको ये देखना, फोर्थ स्टेज ऑफ लीवर जो है वो होता है ऑब्जर्वेशन पीरियड। इस पीरियड में हमको फीमेल को ऑब्जर्वेशन में रखना होता है और साथ ही जो न्यू बॉर्न है उसको भी हमको ऑब्जर्वेशन में रखना होता है। इस दौरान हम देखते हैं कि कहीं उस मदर को एक्सेस ब्लीडिंग तो नहीं स्टार्ट हो गई, झटके तो नहीं आ रहे हैं, उसके वाइटल्स सही हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ों को हम ध्यान देते हैं। और इसके साथ ही बच्चे को भी हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं ताकि बच्चा जो है हाइपोग्लाइसीमिया में ना जाए, हाइपोथर्मिया में ना जाए, वो ठीक से ब्रेस्ट फीड कर पा रहा है कि नहीं, उनको सीजर तो नहीं आ रहे हैं, ये सारी चीज़ों का ध्यान भी हम इसी के दौरान रखते हैं। तो ये तो हो गया ANC चेकअप से लेकर के डिलीवरी तक का प्रोसेस कि आपको ANC चेकअप में क्या क्या करना है, गर्भवती माताओं को 9 महीने तक आपको क्या सुविधा देना है, किस प्रकार देना है, क्या काउंसलिंग करनी है, और इसके बाद हो गया हमारा लेबर कि वो उनका गर्भधारण का पीरियड कंप्लीट हो गया है, अब हमको उनका लेबर कंडक्ट कराना है जो कि हमने सफलतापूर्वक करा दिया। अब इसके बाद देखते हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आगे किसकी क्या बनती है। तो फिर इसके बाद अगेन हम रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे, तो NM और स्टाफ नर्स दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको फैमिली प्लानिंग के लिए अगेन काउंसलिंग करें, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग तो हमने उनको ANC चेकअप के दौरान कर ही चुका है। अब ये हमारा सेकेंड टाइम होता है कि हम उसको काउंसलिंग करें कि वो क्या फैमिली प्लानिंग लेना चाहते हैं और उसके फायदों के बारे में हम उनको बताएं, साथ ही उनको परमानेंट मेथड के बारे में और टेम्पररी मेथड के बारे में, दोनों मेथड के बारे में हमको उनको बताना है। और उन सभी मेथड्स में जो मेथड उस मदर को सुटेबल लगता है वो उस चीज को हम उनको सेलेक्ट करने में हमको उनको हेल्प करना है। यहाँ पे हमको ये ध्यान देना है कि हम अपने अकॉर्डिंग उनको प्रेस्चराइज ना करें कि यही मेथड आपके लिए सुटेबल है और आपको ये यूज करना चाहिए, ये उनका उनका चॉइस होना चाहिए, मदर का चॉइस होना चाहिए कि वो कौन सा मेथड यूज करना चाह रही है। तो ये तो हो गई फैमिली प्लानिंग। इसके बाद बात करते हैं हम पेमेंट्स के बारे में। JSY के थ्रू सभी गवर्नमेंट सेक्टर्स में JSY के थ्रू गर्भवती माताओं को डिलीवरी के पश्चात कुछ राशि जो है वो प्रदान की जाती है, जो ग्रामीण क्षेत्र में 1400 रुपये और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये रखी गई है। इसके बाद बारी आती है डिस्चार्ज की। डिस्चार्ज में हम बात करते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो सबसे पहले जो ड्यूटी डॉक्टर हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो डिस्चार्ज के टाइम पे मदर का और जो न्यू बॉर्न है उसका प्रॉपर चेकअप करें, ये देखें कि वो जो बच्चा है और जो मदर है वो उन दोनों की कंडीशन सही है या नहीं, कि हम उसको छुट्टी दे सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं, या फिर उनको कुछ टाइम तक और ऑब्जर्वेशन में रखने की ज़रूरत है। बट लेस देन 48 आवर्स में हमको किसी को भी डिस्चार्ज नहीं करना है, क्योंकि जो 48 आवर्स का टाइम होता है ये ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है जिसमें हमको मदर को और उस न्यू बॉर्न को दोनों को ऑब्जर्वेशन में रखना होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ड्यूटी डॉक्टर की कि आफ्टर 48 आवर्स ऑफ डिलीवरी अगर बच्चे का और मदर का कंडीशन बेस्ट है, नॉर्मल है, उनको छुट्टी दिया जा सकता है, तो फिर उस कंडीशन में उनको डिस्चार्ज करेंगे। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है स्टाफ नर्सेज की। यहाँ पे स्टाफ नर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि उनको सभी डेंजर साइन के बारे में बताएं, डेंजर साइन मदर के लिए भी और न्यूबॉर्न बेबी के लिए भी। उस मदर को पता होना चाहिए कि क्या क्या डेंजर साइन है जो उनको फील हुआ, उनको दिखा, तो फिर उनको डॉक्टर के पास आना है। अब इसके बाद बात करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी ANM की। तो ANM की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पहला तो जस्ट आफ्टर डिलीवरी उनको जो बर्थ डोज है न्यूबॉर्न बेबी को वो देना है, जिसमें आता है BCG, हेपेटाइटिस बी और ओरल पोलियो। ये डोज न्यूबॉर्न को देने के बाद डिस्चार्ज के समय पे उनको बताना है मदर को कि आपके बच्चे को जो नेक्स्ट वैक्सीनेशन है उनका कब होगा, उनका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या है, उनको अगला टीका कब लगेगा, क्या क्या टीका लगेगा, और उसके साथ ही उनको अपना जच्चा बच्चा कार्ड लेकर के आना है अपने साथ में। ये सारी चीज़ों की जानकारी ANM के द्वारा दी जानी है। तो ये तो हो गया SOP फॉर लेबर मैनेजमेंट, जिसमें हमने ये देखा कि ANC के
रजिस्ट्रेशन से लेकर के एएनसी चेकअप का पूरा प्रोसेस, डिलीवरी का पूरा प्रोसेस और उसके बाद ही डिस्चार्ज का पूरा प्रोसेस। तो ये हमारा कंप्लीट होता है एसओपी फॉर लेबर रूम मैनेजमेंट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो नेक्स्ट एसओपी के लिए होगा। मेरा ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।